हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे, बड़ा घर, गाड़ी आदि हो। लेकिन याद रहे कि अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी है, साथ ही कुछ आदतों से भी पीछा छुड़ाना होगा। इसकी यह वजह है कि हमें पता भी नहीं चलता और अनजाने में हमारी कुछ गलत आदतें हमें अमीर बनने से रोक रही होती हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 6 आदतों की जो अमीर बनने के लिए रुकावट बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या हैं वे आदतें जो हमें अमीर बनने से रोक रही हैं। पहली, एक ही सोर्स ऑफ इनकम। कई लोग केवल नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं, यह गलत तो नहीं है, लेकिन अगर और ज़्यादा पैसा कमाना है तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा। आपको मल्टीपल सोर्सेस ढूंढने होंगे। ऐसा इसलिए ताकि अगर कभी बिजनेस ठप हो जाए या नौकरी जाने की नौबत आए तो आपके पास बैकअप स्ट्रेटेजी हो, जैसे कोई साइड इनकम बिजनेस, कोई रेस्टोरेंट प्रॉपर्टी या फिर ऐसा कोई सोर्स जो बुरे टाइम में काम आ सके और अच्छे टाइम में एक्स्ट्रा इनकम दे। सेकंड, सैलरी में तोलमोल न कर पाना। कई लोग अपनी सैलरी को लेकर तोलमोल नहीं कर पाते हैं और जितना ऑफर किया जाता है उस पर मान जाते हैं। अक्सर पहली जॉब में ऐसा होता है क्योंकि नौकरी पाने को इम्पोर्टेंस दी जाती है ताकि एक्सपीरियंस गेन किया जा सके। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सपीरियंस जुटा लेने के बाद भी सैलरी तोलमोल नहीं कर पाते। यह आदत आपके आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट बनती है। अगर आपको अपने स्किल्स और अनुभव पर पूरा विश्वास है और आप जानते हैं कि मिल रही सैलरी आपके टैलेंट के मुताबिक नहीं है तो सैलरी पर मोल भाव ज़रूर करें। थर्ड, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने रहने देना। अक्सर देखा गया है कि करियर की शुरुआत में काफ़ी मोटिवेशन होता है, लोग अपनी पोजीशन, सैलरी को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद यह एक्साइटमेंट, यह एनर्जी कहीं खो जाती है। लोग जो जैसा चल रहा है चलने दो यह सोच अपना लेते हैं, नया कुछ नया करते हैं और न सीखते हैं, अपना काम भी केवल निपटाने के लिए करने लगते हैं। यह आदत अमीरी में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। हालात के साथ समझौता न करके हालात को बदलने की सोच और कुछ नया सीखने व करने की ललक ही आपको अमीर बनने की ओर ले जाती है। फोर्थ, खुद पर इन्वेस्ट न करना। आप रियल एस्टेट या स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर इन्वेस्ट करना, यानी खुद को और बेहतर बनाना। इसके लिए और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा स्किल्स हासिल करनी होती है और एक्सपीरियंस गेन करना होता है। जब आपके अंदर यह सारी स्किल्स होंगी तो आप अपने एम्प्लॉयर या बिजनेस के लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। साथ ही न्यू स्किल्स होने से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिफ्थ, एक गोल पूरा ना होने पर रुक जाना। लाइफ में गोल्स होना ज़रूरी है और उसे पाने के लिए कोशिश करते रहना भी ज़रूरी है, लेकिन गोल्स पूरे होने के बाद रुक जाना गलत है। ज़िंदगी में लगातार तरक्की करने के लिए एक गोल पूरा होने के बाद दूसरा सेट करें, दूसरे के बाद तीसरा। खुद को रुकने ना दें, ना ही गोल्स को पाने की कोशिशों को रोकना है। सिक्स्थ, अपने पैसों का कुछ न करना। कई बार लोग अपनी सेविंग्स को यूं ही बैंक में ही पड़ा रहने देते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन इससे काम नहीं चलता। बेहतर होगा कि आप अपने पैसों से और प्रॉफिट कमाएं। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा भी ऑप्शन हैं, आप इन पैसों को खुद की स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट में बताएं। इन आदतों को और डिटेल में समझने के लिए हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक को ज़रूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर किसी को अपनी बुक पब्लिश करानी है और प्रमोशन करानी है तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।